जी सर। किनका है अभी? सर प्रिया बजाज, मेरा है। प्रिया जी। वो जुड़ गए? जी सर, मैं जुड़ गई हूँ सर। नमस्ते सर। ठीक है। हाँ, कैसे हैं आप? जी सर, मैं अच्छी हूँ। आपके एजुकेशन के बारे में बताएं। सर, मेरी मेरी 10th तक की पढ़ाई मेरी कस्बे से मैंने उत्तीर्ण की है, जो मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरी सिंह से उत्तीर्ण की है। सर, उसके पश्चात मैंने साइंस ऑप्ट किया, जो मैंने सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री गंगानगर से उत्तीर्ण की। इसके बाद सर मैंने BSc किया, जो मैंने खालसा PG कॉलेज श्री गंगानगर से उत्तीर्ण की। इसके बाद सर मैंने स्वयं पाठी के रूप में इतिहास विषय से MA किया सर। आपके जिले की चार विशेषताएं बताएं। सर, ये राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है और सबसे ज़्यादा लू चलती है यहाँ पे। इसके साथ साथ सर, ये जो जिला है सबसे ज़्यादा नहर प्रणालियाँ इसी जिले में पाई जाती हैं, और सर्वाधिक गांवों वाला जिला इसे कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अपना बताएं कि क्या है ये? सर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज और व्यास नदी के संगम पर हर के बैराज से निकाली गई एक नहर प्रणाली है, जो कि श्री गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सर इन जिलों को लाभान्वित करती है सर। और सर, इस नहर के आने से गंगानगर और इसके आसपास के एरिया में काफी उपजाऊपन बढ़ गया सर। यहाँ इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट से क्या कोई समस्या हुई है इस क्षेत्र में? सर, इस नहर के आने से सेम की समस्या उत्पन्न हुई है, जो वर्तमान में गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया में काफी देखने को मिलती है सर। सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट का नाम सुना है? जी सर। कहाँ पर है ये? सर, ये सूरतगढ़ के ठुकराना गांव में स्थित है, जो कि सोवियत रूस की सहायता से 1998 को स्थापित किया गया था। अभी कितने मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे? सर, इसमें 250 250 मेगावाट के 6 प्लांट चल रहे हैं, और सातवीं इकाई जो 660 मेगावाट की है सर, इसका कार्य शुरू हो चुका है, और आठवीं इकाई सर निर्माणाधीन आपने बोला कि आपने हिस्ट्री में अपना एमए किया है। है। जी राजस्थान हिस्ट्री में चार इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताएं जो लास्ट में 1920 के बाद एक्टिव रहे हैं। सर, राजस्थान में मुख्य रूप से केसरी सिंह बारठ रहे, और सर प्रताप सिंह बारठ रहे, और सर इसके साथ साथ जमनालाल बजाज भी रहे हैं, जयनारायण व्यास भी रहे हैं। ठीक है। हिस्ट्री में आपको कौन सा ऐसी घटना लगती है कि जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? सर, मुझे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पूरा प्रभावित करता है, तो इसे मैं काफी अभी प्रेरित होती हूँ सर। इसमें कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको जिसको आपने पढ़ के लगा हो कि ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट रहा इंडियन हिस्ट्री में? सर, मैं कह सकती हूँ जो भारत छोड़ो आंदोलन है, जब जब मैं इसको पढ़ती हूँ, तो क्योंकि सर इसमें किसी लीडर ने लीड नहीं किया, और प्रत्येक जनमानस के मन में ये बात आने लगी थी कि ब्रिटिशवासी हैं, उनकी चूल्हे हिलानी है और हमें भारत की आज़ादी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं स्वयं स्फूर्त आंदोलन था, तो सर मुझे ये काफी प्रेरित करता है सर। राजस्थान की पांच कोई ऐसी फ्लैगशिप स्कीम का नाम बताओ। सर, राजस्थान में मुख्य रूप से 9 विभागों के 19 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से सर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना चल रही है, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना चल रही है, इसके साथ साथ सर एकल नारी पेंशन योजना चल रही है सर, इसके साथ साथ निरोगी राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। आपको कौन सी ऐसी योजना है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है राजस्थान सरकार की? सर, वास्तव में देखें तो राजस्थान की जो योजना चल रही है, सभी योजनाएं कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए बनी है, तो सभी योजनाएं अपने आप में प्रासंगिक हैं और अच्छी हैं, पर सर मुझे आम नागरिक होने के कारण मुख्यमंत्री जांच योजना सबसे अच्छी लगती है ऐसा क्यों? सर। कहीं ना कहीं बेहतर स्वास्थ्य के लिए, और जैसे कि एक हेल्दी मनुष्य होने के लिए समयबद्ध रूप से जाँच होनी चाहिए।
तो मुझे लगता है कि अगर जांच हो गई तभी हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि अमुक व्यक्ति में क्या बीमारी है, उसका किस प्रकार से इलाज करवाया जाना चाहिए, और फ्री में सर जांच की जाती है, तो मुझे होना चाहिए। राजस्थान में अभी हेल्थ मिनिस्टर कौन है? सर माननीय रघु शर्मा जी हैं यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर। मैं अभी उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था परसों। उन्होंने बोला कि राजस्थान हेल्थ सिस्टम में एक मॉडल राज्य बन के उभरा है। ऐसा क्यों? सर अभी जो हमारा बजट आया है राजस्थान का, तो इसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात कही गई है। तो सर राजस्थान पूरे देश में एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें सॉरी स्टेट है जिसने यूनिवर्सल हेल्थ राइट टू हेल्थ के रूप में प्रतिस्थापित किया है, और इसके लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना सर अभी स्टार्ट की गई है, जो कि 1 अप्रैल से सर इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 1 मई से ये धरातल पर लागू होगी सर। आज का पेपर पढ़ा आपने? सर मैंने राजस्थान पत्रिका पढ़ा है। राजस्थान पत्रिका में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। उसमें भारत की रैंक क्या थी? सर इसमें भारत की रैंक 140 है 156 देशों में। अच्छा, क्या भारत की रैंक अभी हाल ही में गिरी है? जी सर भारत की रैंक 112 से 112 थी, जो कि वर्तमान में 140 हो गई है। सर महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या वर्णन किया है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में महिलाओं की स्थिति के बारे में ये वर्णन किया गया है, क्योंकि कोरोना का पीरियड होने के कारण सर महिलाओं ने अपनी जॉब काफी छोड़ी है, तो जो कोरोना है इसने महिलाओं को और मतलब थोड़ा पिछाड़ दिया है, और आने जो 99 वर्ष हमें लगने थे महिला सशक्तिकरण के लिए, अब सर वो 135 वर्ष लगेंगे, इस रिपोर्ट में ये कहा गया। क्या राजस्थान की महिलाएं सशक्त हो गई हैं या देश की महिलाएं सशक्त हो गई हैं? सर महिलाएं सशक्त होने की कगार पे है सर, प्रयासरत है, और धीरे धीरे हो जाएंगे आने वाले कुछ समय में। तो जो परिवर्तन है सर, क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कह सकते सर, स्टेप बाय स्टेप परिवर्तन हो रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा? सर महिला सशक्तिकरण के लिए आईएम शक्ति प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें 5 योजनाएं हैं सर। अमृता हार्ट योजना चल रही है सर, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री निशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना चल रही है सर। प्रत्येक माह की 9 तारीख को फ्री जांच की जाती है महिलाओं और बच्चों की, ताकि उनमें जो भी बीमारियां डिटेक्ट की जा जाए। इसके साथ साथ सर हम कह सकते हैं आपकी बेटी योजना, हमारी बेटी योजना, राष्ट्रीय योजना, ये भी काफी चलती है, जिसके थ्रू महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाता है। राजस्थान की प्रथम महिला एमपी का नाम बताएं, लोकसभा में जो चुनी गई है। वर्तमान एमपी की बात करें नहीं, पहली महिला एमपी जिनका चुनाव लोकसभा में हुआ था। सर शारदा देवी थी, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, सॉरी सर। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में राजस्थान में महिलाओं की स्थिति कितनी है? कितनी महिलाएं राजस्थान से हैं? सर 24 महिलाएं हैं। राजस्थान से? सॉरी सर मैं 3 महिलाएं हैं राजस्थान। राजस्थान से, ओके। और राजस्थान विधानसभा में 24 महिलाएं हैं। 24 महिलाएं हैं। राजस्थान की प्रथम महिला स्पीकर का नाम क्या था? सर सुमित्रा महाजन थी, जो कि 12वीं लोकसभा में स्पीकर रही थी। वर्तमान आपको एसडीएम लगा दिया जाए, और आज की जेंडर गैप रिपोर्ट में पता लगा कि महिलाओं की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, कोरोना पीरियड चल रहा है, तो आप महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास करेंगे? सर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मेरे प्रयास ये रहेंगे कि सर जो छोटी बच्चियां हैं उनको सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में आने के लिए बोलूं, उन्हें प्रेरित करूं, और जो सर थोड़ी बड़ी हो चुकी है या वृद्ध हो चुकी है या पढ़ नहीं सकती है, तो सर मैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से या अन्य माध्यम से छोटे छोटे कार्य सिखाने सिखवा सकती हूँ, जिससे कि सर वो आत्मनिर्भर बने। सर उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास किया जा सकता है, उनको सर सेल्फ महिलाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा आदि की कमी है, तो सर उनको हाइजीन की, स्वच्छता
सेक्स एजुकेशन के बारे में, उनको स्वच्छता के बारे में सर मैं जागरूक करूंगी, ताकि वो अपने निर्णय ले सकें और अपने परिवार में मुख्य भागीदारी निभा सके, समाज में मुख्य भागीदारी निभा सके। अच्छा, यदि आपको SDM ना लगाया जाए, महिला व बाल विकास अधिकारी बना दें, तो आप ऐसा नहीं लगता कि आप ज्यादा अच्छी भूमिका निभा पाएंगी? सर मुझे लगता है कि जिस भी पोस्ट पे मेरा चयन होता है तो उसमें मैं अपने 100% देने का प्रयास करूंगी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। सर ठीक है, कृष्णा सर आप पूछें। प्रिया जी, महिला कल्याण, महिला विकास और महिला सशक्तिकरण में क्या फर्क है? महिला कल्याण, महिला विकास और महिला सशक्तिकरण, सर कहीं ना कहीं जो महिला कल्याण है तो सर वो किसी की देनदारी शो करता है। सर महिला कल्याण किया जाए, किसी व्यक्ति के थ्रू किया जाए। सर महिला विकास और महिला सशक्तिकरण लगभग मुझे एक दूसरे के पर्याय नजर आते हैं, क्योंकि सर एक महिलाओं का विकास होगा तो अपने आप ही महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा। सर अच्छा ये बताओ, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में क्या फर्क है? सर जो प्रशासन है इसका मुख्य मोटो रहता है कि लोक कल्याण करना, जनता का हित करना और जो सरकार की योजनाएं है उनको क्रियान्वित करना। सर मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य रहता है कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना। तो सर मैनेजमेंट स्किल जो कंपनीज हैं या फिर सर अब प्रशासन में मैनेजमेंट लाया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है और हमें कार्य ज्यादा करना है, तो सर मैनेजमेंट और प्रशासन में ये अंतर पाती हूँ। IQ और EQ में क्या फर्क है? सर IQ और EQ में सर डिफरेंस ये है कि IQ एक बौद्धिक स्तर की बात करता है कि एक व्यक्ति में बुद्धि का लेवल क्या है, परंतु सर जो संवेदनाएं हैं या व्यक्तियों के मध्य रह के कार्य करने की क्षमता है कि हम खुद के संवेगों पे किस प्रकार कंट्रोल पाते हैं और दूसरों के संवेगों को कैसे समझते हैं, सर EQ है ये। और प्रशासन में IQ से ज्यादा EQ का महत्व नजर आता है। सर प्रशासन में क्या इम्पोर्टेंट है, IQ या EQ? सर EQ। IQ की जरूरत नहीं रहेगी? सर IQ एक पार्ट है कि सर मुझे लगता है IQ का टेस्ट हो जाता है जब हम प्री पास करते हैं, मेंस पास करते हैं और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी IQ का रोल रहता है, पर सर जब हम प्रशासन में फील्ड में जाके काम करते हैं तो सर मुख्य रूप से वहाँ EQ काम आता है, क्योंकि हमें लोगों के बीच में गांवों में रह के काम करना है सर, तो लोगों की संवेदनाओं को समझना ज्यादा जरूरी है। अच्छा आप SDM हैं और आप एक ऐसी परिस्थिति में गिर गई है जहाँ सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं, बहुत ज्यादा परिस्थितियां विपरीत हो गई है और आपके पास इतना फोर्स भी नहीं है और आपको समाज के लोगों के साथ मिलजुल के ही उस दंगों को उनको शांत करना है, तो वह EQ ज्यादा काम आएगा या IQ ज्यादा काम आएगा? सर EQ ही ज्यादा काम आएगा, इसमें IQ का रोल रहेगा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, परंतु क्योंकि हमें किसी भी संप्रदाय के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना, तो सर उसमें EQ मुख्य रोल निभाएगा कि हम सांप्रदायिक दंगे और ना बढ़के और उनको कंट्रोल कर सके, तो EQ काम आएगा। आपका साइंस के सब्जेक्ट रहा है, साइंस मैथमेटिक्स रहा है आपके? नहीं सर, मेरे पास बायोलॉजी रहा है। बायोलॉजी रहा है। अच्छा आप ये बताओ कि बायोलॉजी के क्षेत्र में भारत का क्या योगदान है? जी सर, सर बायोलॉजी के क्षेत्र में हम अभी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर हम जो भारत बायोटेक हमारा कोवैक्सीन बना रहा है, जाइडस इंस्टीट्यूट बना रहा है, तो सर ये कहीं ना कहीं जो कोरोना के काल में हमें भारत का योगदान दिखता है। सर हम इसके पृष्ठभूमि में देखें कि भारत का इतिहास ये रहा है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना है जिन्होंने जीन का सीक्वेंस बताया, इसके साथ साथ सर जो हमारे जगदीश चंद्र बोस हैं इन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन दी थी। सर एक रशिया से इंडिया मिसाइल प्रणाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है और अमेरिका ने चेतावनी दी कि अगर आपने खरीद दिया तो हम आपको बैन कर देंगे, भारत को क्या करना चाहिए? सर मिसाइल सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं तो वो S-400 मिसाइल सिस्टम भारत खरीद रहा है, परंतु भारत आज भी सर नाम की नीति पे चलता है, विश्वनिरपेक्ष आंदोलन हमारा मुख्य मोटो रहता है विदेश नीति का, तो हमें खरीदना चाहिए क्योंकि हमारे सर जब हम अमेरिका के साथ हमारी मीटिंग हुई तो हमने उसने हमें जो काटसा के थ्रू हमें सर छूट दी गई थी कि हम ईरान
और रशिया और उत्तरी कोरिया के साथ संबंध स्थापित कर सकते हो। नहीं, पर फिर अमेरिका बैन कर देगा ना भारत को। सर भारत को काट सके तक छूट मिली हुई है कि वो रशिया की डिफेंस प्रणाली ले सकते हो। तो खरीदना ही चाहिए भारत को। जी सर, भारत को बिल्कुल खरीदना चाहिए, अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमें खरीदना चाहिए सर। तो अभी एक कोई स्वेज नहर में जहाज अटक गया था, जिस वजह से वैश्विक परिवहन था, जल परिवहन, वो काफी डिस्टर्ब हुआ। क्या नाम था उसका? एवर गिवन नाम का जहाज था सर, ये जापान का था। एवर गिवन? एवर गिवन। जी कुछ न्यूज़पेपर में एवर ग्रीन भी बोलते हैं उसको, कंफर्म कर लेना क्या है इसका। सर एवर गिवन ही पढ़ा सर मैंने। चलो ये बताओ, भारत की जो प्रस्तावना है, क्या वो संविधान का भाग है? सर समय समय पर इसको भाग बनाया गया और समय समय पर इसको भाग नहीं भी माना गया माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा। वर्तमान में सर ये भाग माना जाता है और इसमें मूल ढांचे के तहत से माना जाता है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता सर। मूल ढांचा क्या है? सर ये मूल ढांचा संविधान में कहीं लिखित में तो नहीं दिया गया, पर समय समय पर इसकी समीक्षा सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है, जिसमें सर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, हमारा समाजवाद है, भारत एक गणतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, इनको सर हम संशोधित नहीं कर सकते सर। ये मूल ढांचा, इसमें संशोधन नहीं हो सकता, सर मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। और अगर करने का प्रयास करे सरकार तो? सर ये किया ही नहीं जा सकता और जब भी ये किया जाएगा इसके उसकी न्यायिक समीक्षा द्वारा इसे सर अघोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। न्यायिक समीक्षा और न्यायिक सक्रियता क्या है दोनों? सर न्यायिक समीक्षा से आशय है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए वर्डिक्ट की पुनः समीक्षा करता है या फिर जो सर माननीय संसद है उनके द्वारा जो लॉ बनाए गए हैं उनकी उनकी जांच करके उसको सही या गलत ठहराता है, ये सर न्यायिक समीक्षा होती है। और सर जो न्यायिक सक्रियतावाद है, जब कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्यों को पूर्णतः न कर सके और उसमें उसके कार्य को अग्र सक्रिय होके न्यायपालिका करे, तो सर इसको न्यायिक सक्रियता कहा जाएगा। न्यायिक सक्रियता को अच्छा माना जाता है? जी सर, सर क्योंकि जनता को राहत देने के लिए किसी को तो आगे आना पड़ेगा और न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का तृतीय सप्तम माना जाता है, तो ये न्यायिक सक्रियता अच्छी मानी जाती है। नहीं, न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका और विधायिका का ही फेलियर के तौर पे नहीं उभर रहा है? सर फेलियर के रूप में उभर भी रहा है और कहीं ना कहीं सर जनता के लिए ये तो अच्छा है क्योंकि जनता की राहत के लिए, जैसे सर एनजीटी के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई और सर गंगा बेसिन में जो या फिर हम कहें पर्यावरण प्रदूषण के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई, सर ये कहीं ना कहीं जनता के लिए हित के लिए की गई, हालांकि इससे सर कार्य करने का जो मुख्य अधिकार था वो न्याय सॉरी सर कार्यपालिका और विधायिका का था, परंतु उसके कार्य करने के करने के कारण न्यायपालिका ने किया, तो अंतिम रूप से ये सही है सर। घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहाँ तक उचित है? सर घरेलू जो महिलाओं घरेलू हिंसा से संरक्षण के लिए 2005 में जो एक्ट लाया गया उसके तहत काफी मामले दर्ज होते हैं और कई महिलाओं को काफी महिलाओं को इसके तहत राहत भी मिली है, तो सर ये काफी प्रासंगिक है आज भी क्योंकि महिलाओं को राहत देता है ये अधिनियम। नहीं, ऐसा भी सुनने में आया कि इससे महिलाएं दुरुपयोग करती है इसका, विशेषकर अपने जब भी इनके दंपति के बीच में झगड़े होते हैं तो पति के परिजनों को इसमें फंसाने का और प्रताड़ित करने का पूरा प्रयास किया जाता है। जी सर। सर जो आप आपके जो कहना ये बिल्कुल सत्य है कि कहीं ना कहीं ऐसे केस देखे गए हैं जिसमें महिलाओं ने अपने कानूनों का दुरुपयोग किया है, परंतु जो सर इसकी मूल भावना है कि महिलाएं प्रताड़ित ना हों तो उसको हम गौण नहीं कर सकते, और सर जो इक्का दुक्का अपवाद है ताकि इस जो अधिनियम है उसकी प्रासंगिकता ना खत्म हो, तो जिन महिलाओं ने इसके तहत गलत वाद दायर किए हैं तो उनको कड़ी सजा देनी चाहिए और समाज में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि ये नियम वास्तव में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए बने हैं, तो सर अपने आप में प्रासंगिक रहने चाहिए।
ऐसे पांच काम बताओ जो आप प्रशासन में आने के बाद में राजस्थान के विकास के लिए करना चाहोगे। राजस्थान के विकास के लिए मैं सबसे पहले तो जो किसानों किसान भाई बंधु हैं उनके लिए सर ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था करना चाहूंगी कि ताकि जो वेस्टेज है पानी की वो कम हो सके और जो एफिशिएंसी है पानी की वो बढ़ सके। इसके साथ साथ सर मैं जो भी संभावनाएं हैं स्थानीय क्षेत्र में उनको खोजूंगी और महिलाओं के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स बनाऊंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो। सर हमारे राजस्थान में जहाँ सर मैं रहती हूँ उसके आसपास मैंने काफी कचरा देखा है, तो सर मैं जो कपड़े का झोला है उसको वितरित करूंगी ताकि प्लास्टिक है उसके उससे हमें विमुक्ति प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ सर मैं हाइजीन के लिए काम करना चाहूंगी कि महिलाओं और बच्चियों में हाइजीनिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो। और सर इसके साथ साथ मैं इंडस्ट्री जो हमारे स्थानीय लोकल एरिया में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए उद्योग विभाग के साथ समन्वय करके कार्य करना चाहूंगी। ठीक है अतुल जी आगे आप पढ़। अतुल जी आप पूछें। हाँ भैया जी अतुल जी ये मेरी बात। बताइए। हाँ जी सर हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं बिल्कुल संक्षेप में दूंगा थोड़ा बात है। आप बताइए इतिहास में एक कोटेशन है कि यदि आप इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो आपको इतिहास को दोहराने का दंड मिलेगा। क्या तात्पर्य इसका? सर इससे मुझे जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है सर मैं इससे ये समझ पा रही हूँ कि इतिहास की जो हमारी गलतियां हैं या किसी शासकों ने या फिर किसी भी साम्राज्य ने कोई गलतियां की अगर हम उसे नहीं सीखेंगे तो वो रिपीट होगी, क्योंकि हम कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो अगर इतिहास से हम शिक्षा नहीं लेंगे तो वापस वही चीजें होंगी सर, तो मैं ये समझ पा रही हूँ। तो हमें इतिहास से सीखना चाहिए और जो हमारे प्राचीन काल में जो हमसे गलतियां हुई हैं तो उनको दोहराना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सबक लेना चाहिए। अच्छा इतिहास ने अपने आप को दोहराया हो इसके कुछ एक दो उदाहरण बताएं। सर इतिहास समय समय पर अपने आप को दोहराता रहा है। सर प्राचीन काल में योगा प्रासंगिक था, जब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में या फिर वैदिक काल में, तो धीरे धीरे ये गौण होता गया सर, इसकी महत्ता अपने आप में विलुप्त होती गई। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो योगा ने अपनी पुनः भूमिका सिद्ध की है, तो सर मैं इसे इतिहास का रिपीटेशन देखती हूँ। अच्छा रिनेसा क्या है? रिनेसा के बारे में बताएं। सर पुनर्जागरण का अर्थ है कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उनको हटा के विज्ञानवाद, मानवतावाद और सर इन इन बिंदुओं की स्थापना समाज में की जाए ताकि व्यक्ति का यह लोक सुधरे न कि परलोक, तो इसको मैं रिनेसा कहती हूँ सर। भारतीय पुनर्जागरण और यूरोपीय पुनर्जागरण क्या अंतर इसमें? सर विश्व का पुनर्जागरण कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति या फिर हम कह सकते हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो धर्म था उसके विरोध में सर पुनर्जागरण हुआ था, जबकि भारतीय पुनर्जागरण में सर कहीं ना कहीं पाश्चात्यकरण भी हुआ, कहीं ना कहीं वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना भी की गई कि हमारी संस्कृति अपने आप में ही काफी मान्यता प्राप्त थी या फिर कह सकते हैं कि विविधतापूर्ण थी, उसे ही अगर हम पुनर्स्थापना कर लें तो वास्तव में पुनर्जागरण हो जाए। अच्छा महात्मा गांधी नरेगा योजना के बारे में आप जानते ही होंगे। इसमें कोई श्रमिक है अधिकतम कितनी मजदूरी प्राप्त कर सकता है? फिर इसमें अकुशल व्यक्ति 220 रुपये मजदूरी प्राप्त करता है और जो कुशल व्यक्ति है उसको 237 रुपये मजदूरी मिलती है। अच्छा नरेगा के बारे में बताया जाता है कि नरेगा खाली गड्ढे खोदने का ही काम बंद करेगा, इससे संपत्तियां जो है अर्जित नहीं होती या सृजित नहीं होती है। आप सहमत हैं इससे? सर जो नरेगा में कमियां थी वर्तमान में हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने या फिर हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे दूर करने का प्रयास किया है, और सर इसके तहत मुहिम चलाई जा रही है कि एक राजस्व ग्राम चार काम, जिसमें चारागाह, शमशान घाट, टांके और सर तालाब बनाए जाएंगे। एक गांव चार काम आपने बताया, इसमें टाके शामिल है? सर अच्छा या चारागाह आदर्श तालाब, क्या
खेल मैदान और शमशान, ये चार सर। जी सर, टांके चारागाह, सर टांके और तालाब, चारागाह, शमशान भूमि और खेल का मैदान, ये चार काम शामिल है सर। अच्छा, मतलब टांके आप जो बता रहे हो, चारागाह में टांका बनाना या शमशान घाट के वहां टांका बनाना। जी जी। अच्छा, राजस्थान में वेज रेट क्या चल रहा है अभी मेरे गांव? जी सर, मैं समझ नहीं पाया आपको, क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दें। अधिकतम न्यूनतम, अधिकतम मजदूरी जो है श्रमिकों की, वो 220 रुपए है, लेकिन वास्तविक जो वेज रेट मिल रही है वो एवरेज वेज रेट को कितना है अभी? सर मैंने कुछ दिन पहले एक डाटा पढ़ा था जिसके तहत मैंने ये पढ़ा था कि जो खेतीहर मजदूर है उसके लिए न्यूनतम मजदूरी 60 रुपए डिसाइड की गई है, उससे कम मजदूरी कभी भी नहीं मिल सकती मनरेगा के तहत। अच्छा चलिए बताइए, अभी जो एमएलएड है, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम जो है, इसमें अभी क्या परिवर्तन किया गया? सर इसे 2.5 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया। अच्छा, तो एमएलए के भरोसे छोड़ दिया, इतना बजट बढ़ा दिया, क्या आवश्यक था ये? क्या उसका लाभ होगा या विधायकों को खुश करने के लिए कर दिया गया? नहीं सर, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि सर कहीं ना कहीं हम 2021 की भारतवर्ष में जी रहे हैं जिसमें सर महंगाई भी काफी बढ़ गई है, तो सर क्योंकि लोग जो विधायकगण हैं वो स्थानीय क्षेत्र के विकास में इसको खर्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका विकास होगा। क्या प्रोसेस रहता है इसका, प्रोसेस जानते हैं आप, कैसे एमएलएड में किसी काम की सैंक्शन होती है या कैसे अनुशंसा होती है, कौन उसको उसका एजेंसी, कार्यकारी एजेंसी कौन होती है? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे पढ़ने की जरूरत है, मैं कुछ पढ़ूंगी सर। अच्छा ये बताइए, आरटीआई पोर्टल जो है, सॉरी ये अपने लोक सूचना का अधिकार है, इसमें प्रशासनिक स्तर पर अभी क्या परिवर्तन चल रहा है? सर जन सूचना पोर्टल की बात कर रहे हैं सर आप? नहीं, मैं आरटीआई सूचना के अधिकार की बात कर रहा हूँ, इसमें अभी प्रशासनिक स्तर पर क्या परिवर्तन चल रहा है, कोई आपकी जानकारी में है? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, जन सूचना पोर्टल क्या? सर जन सूचना पोर्टल राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है जिसके तहत सर लोगों को जानकारी आरटीआई के थ्रू प्राप्त ना करनी पड़े, बजाय इसके कि लोगों को पहले ही जानकारी दे दी जाए, तो इसको सर जन सूचना पोर्टल के माध्यम से कई विभागों की लगभग सारी जानकारी विभाग के प्लेटफॉर्म पे जन सूचना पोर्टल को उपलब्ध कराई जाती है। अच्छा, योगा आपकी हॉबी है? जी सर। तो कोरोना से बचने के लिए क्या योगा सजेस्ट करेंगे आप, कौन से योग कर सकते हैं? सर कोरोना क्योंकि श्वसन संबंधी एक बीमारी है और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको ब्लॉक करती है, तो सर मैं प्राणायाम की कई विधियां इसमें सजेस्ट करना चाहूंगी, जिसमें हम सर सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं, शीतली शतकारी कर सकते हैं, सर भ्रामरी प्राणायाम हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कोरोना अपने आप में मानसिक तनाव भी अपने साथ लेके आया है, इसके साथ साथ सर अगर हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी को फिजिकली फिट रखेगी और इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगी, तो सर आप कोई भी योगा कर सकते हैं सुबह। अच्छा, अंत में बस एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे, स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन में अभी वर्तमान में क्या क्या गतिविधियां चल रही है? सर स्वच्छ भारत मिशन में एक टॉयलेट का निर्माण किया जा रहा है कि कोई भी ओपन ODS फ्री करना है हमें, तो ODS, ODS प्लस, ODS प्लस प्लस का कार्य चल रहा है सर, इसके साथ साथ सर राजस्थान ODF हो चुका? जी सर। कब हुआ? सॉरी सर इसके बारे में विषम तो नहीं याद, परंतु हो चुका राजस्थान ODF। नहीं, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में राजस्थान ODF हो चुका या आंकड़ों में हुआ? सर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या कह सकते हैं टॉयलेट का निर्माण करना था वो लगभग सभी घरों में हो चुका है सर, पंचायती राज मंत्रालय या फिर राजस्थान सरकार द्वारा इसे किया जा चुका है, जरूरत सर इस चीज की है अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें कि कई लोगों ने टॉयलेट बनवा तो लिए हैं परंतु उनका यूज करना अभी भी नहीं सीखे हैं, तो उनको जागरूक करके उनका प्रॉपर यूज करना सिखाया जाए, तो इसके लिए सर हमें एक जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है जिसके थ्रू हम वास्तव में धरातल पे इसे लागू कर सकें। चलिए ठीक है, थैंक यू प्रिया जी, मेरी तरफ से इतना ही।
मेरी तरफ से मैं फीडबैक भी देता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा है, मैं पहले कभी खाली सुन ही रहा था आपका, कॉन्फिडेंट भी है, इंस्टेंट जवाब भी दे रहे हैं, और आपका फैक्चुअल और कंसेप्चुअल नॉलेज भी अच्छा है। स्कीम्स को थोड़ा सा आप देख लेना है ना, जैसे ये नरेगा है, स्वच्छ भारत मिशन है, अगर ऐसा सवाल पूछ लिया कि वाकई में ODF हो गया, तो इसमें झिझकने की जरूरत नहीं है कि वाकई में ODF नहीं हुए। ODF का मतलब है ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब कोई भी खुले में शौच नहीं कर रहा है, जबकि वास्तविकता अभी भी ऐसी नहीं है। ना तो सभी घरों में शौचालय बने हैं, ना सभी लोग घर के अंदर बने शौचालय का उपयोग करते हैं। ठीक है, और RTI वाले में क्या संशोधन है सर? RTI चल रहा है कि अभी तक ये था कि ऑफलाइन आवेदन होते थे, आप RTI का जो फॉर्मेट या सिंपल एप्लीकेशन देते थे, अब RTI को ऑनलाइन कर रहे हैं, तो अब कोई भी अगर सूचना प्राप्त करना चाहता है तो हर विभाग को रजिस्टर्ड कर दिया गया है, और उसमें लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी, उनको रजिस्टर्ड करते हुए और उनके पास ऑनलाइन अब कोई भी सूचना मांगेंगे उस पोर्टल के माध्यम से। तो ये अभी प्रशासनिक स्तर पर एक्सरसाइज हो रही है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, बाकी इतिहास अच्छा है आपका, इतिहास में तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कुछ आप कुछ इसमें से पूछना चाहते हैं? सर एक जो आपने MP लैंड वाला पूछा था मुझे, वो भी नहीं पता। हाँ, ML लैंड वाला जी सर, ML हाँ, 2.5 करोड़ से 5 करोड़ की है। इसमें MLA क्या स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अपनी विधानसभा में किसी भी काम की अनुशंसा करते हैं, और उस अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर और अभी जो जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, वो उस अनुशंसा के आधार पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां जारी करते हैं, और उसमें कार्यकारी एजेंसी अलग अलग कोई भी हो सकती है। जैसे अगर डामर रोड बनाना है तो PWD भी एजेंसी हो सकती है, या ग्रामीण क्षेत्र में कोई काम कराना है तो पंचायती राज भी इसकी कार्यकारी एजेंसी हो सकती है। इसमें ये ध्यान जरूर रखना है कि ये पैसे MLA को नहीं दे रहे हैं, बल्कि MLA 5 करोड़ रुपए तक के काम की अनुशंसा जिला प्रशासन को कर सकता है। इसलिए इसमें जो अतुल जी का सवाल था वो ये था कि इतने सारे पैसे दे दिए, तो इसमें ये है कि इतने सारे पैसे नहीं दिए बल्कि इतने सारे पैसे के काम की अनुशंसा करने के अधिकार दे दिए इनको। ठीक है, मेरी तरफ से यही ऑल द बेस्ट, और आप कनेक्शन तो हो ही रहा है, बहुत अच्छा बोला। नहीं अच्छा है आपका कॉन्सेप्ट पर, फैक्ट्स पे पकड़ अच्छी है, आपके बोलने का फ्लो भी अच्छा है, और कुछ और थोड़ी अवेयरनेस बढ़े, बाकी आपके कोई इशू नहीं है, आप थोड़ा और अवेयर रहें, और मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे रैंक पर सिलेक्ट हो। कोई पूछना है तो आप एक वो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, कल्याण, विकास और सशक्तिकरण, उसमें फर्क ये है कि कल्याण में जरूरतमंद को कुछ दिया जाता है, उसमें एक देने के भाव रहता है, जिसमें उसका खुद का कोई योगदान नहीं होता, वो एक पक्ष जैसे सरकार है या कोई भी पक्ष है उसको देता है, वो लेता है और उसका उपभोग करता है। विकास में उसको खुद को भागीदार बनाया जाता है, शामिल किया जाता है, और फिर उसको जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन सशक्तिकरण इससे भी एकदम आगे की अवधारणा है, जिसमें उसको देने की बजाय उसको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, मानसिक रूप से समृद्ध बनाया जाता है, सक्षम बनाया जाता है, ताकि वो खुद अपनी जरूरतों को अपने खुद के विकास संसाधनों के माध्यम से संसाधन जुटा के पूरा कर सके। इसलिए उसको कहते हैं खुद को सशक्त करना, सक्षम बनाना, समर्थ बनाना। अभी जो भारत में वंचित वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, महिलाएं हैं, उन सभी के लिए सशक्तिकरण का जो स्तर है वो चल रहा है। अभी विकास का या कल्याण का जो लेवल था वो पूरा हो चुका है। हम अभी ये चाहते हैं कि सभी को खुद को सक्षम बना दिया जाए, ताकि वो खुद अपने हिसाब से अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। ऑल द बेस्ट। आपका नॉलेज पार्ट एंड कॉन्फिडेंस पार्ट दोनों अच्छा था। ठीक है, ओके, ऑल गुड, ऑल द बेस्ट, और होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू अतुल सर, रवि सर, सैनी सर, आप इतना अपने बिजी शेड्यूल में